धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत सख्त टिप्पणी की है और साफ कर दिया है कि मीडिया ऐसा नहीं कर सकता। प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। पूरा मामला आपको बताऊंगा और पूरे मामले से जुड़े हुए 4 पहलू आपके सामने रखूंगा। खबर में मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक, कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मीडिया को लेकर बड़ी गंभीर खबर है, हालांकि कोर्ट से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं मैं उनका एक अलग से बुलेटिन बनाता हूं, लेकिन इस खबर को स्पेशली अलग से आपके सामने रखना हो क्योंकि ये खबर है स्पेशल, इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब कहा जाता था कि किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाना है, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है तो कहा जाता था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, ना किसी के सामने तीर निकालो, ना किसी के सामने तलवार भांजो। गर्तोप है मुकाबली सामने चाहे कितनी भी जालिम ताकत है, कितनी भी मजबूत ताकत है, गर्तोप है मुकाबली तो अखबार निकालो। वो ज़माना और था, लगता है वो ज़माना इस देश में से चला गया है जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम हुआ करता था, जब देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री सिख हुआ करता था। अब आरएसएस का राष्ट्रपति, आरएसएस का उपराष्ट्रपति, आरएसएस का प्रधानमंत्री, वो लोग कहते हैं साहब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र की दूसरी शक्ल होगी क्या, यही तो होती होगी। खैर अपनी खबर की बात करते हैं, तो खबर आज जो मीडिया बन गया है वो नफरतें फैला रहा है, वो समाज को बांट रहा है। अगर आपको समाज को बांटना है तो मीडिया शुरू कराइए, अगर आपको लोगों में नफरतें फैलानी है मीडिया शुरू कराइए, अगर आपको देश को बांटना है अलग अलग, ये बंगाली है, ये गुजराती है, ये है, ये वो है, इस तरीके से, तो मीडिया शुरू कराइए। पार्टियों के अंदर किस पार्टी को देशभक्त कहलाना है, किस पार्टी को देश राष्ट्रवादी कहलाना है, किस पार्टी को देश विरोधी कहलाना है, किस नेता को क्या बनाना है, सब ये काम कराइए आज मीडिया से। तो मीडिया एक तरीके का आज भोंपू बनकर और नफरत बनकर फैलाने का काम कर रहा है। अब खबर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं और उसमें बताते हैं टिप्पणी क्या हुई, मीडिया पर टिप्पणी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड आप लोग जानते होंगे, बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ जिसमें 42 बच्चियाँ थी, 30 से ज़्यादा वो नाबालिग बच्चियाँ थी, 30 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार किया गया और बहुत सारी बच्चियों का तो अबॉर्शन तक करा दिया गया। उम्र बच्चियों की 10 से 12 साल 9 साल इतनी उम्र है। ये खबर सामने आने के बाद तमाम जो मीडिया था वो टूट पड़ा उस खबर की तरफ और दिखाने लगा उन बच्चियों को उन लड़कियों को बैठा बैठा के ब्लर करके उनकी तस्वीर को, उनकी इमेजेस को और उनकी तमाम कहानियां टीवी पर चलाने लगा और अपनी टीआरपी बढ़ाने लगा। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये मीडिया कर क्या रहा है, कैसे इन लड़कियों की शिनाख्त बता रहा है, ठीक है ब्लर कर दे हैं फिर भी ऐसे दिखा कैसे रहे, ना उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं, ना उनकी वीडियो दिखा सकते हैं, ना उनकी इस तरीके से ये तमाम चीज़ों जो उनके साथ हुई है उस तरीकों को दिखा सकते हैं, किस तरीके का ये कर रहा है, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, ये खुद संज्ञान लिया, सुमटो इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अच्छा होता ये टिप्पणी अगर CGI की तरफ से होती, लेकिन इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि टिप्पणी जस्टिस मदन बिलोकुर की बेंच ने की है और जस्टिस मदन बिलोकुर वो जज साहिबान हैं जो उन 4 जज साहिबान के साथ जनवरी 2018 में बाहर आए थे सुप्रीम कोर्ट से और जनता की अदालत के सामने आके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे बहुत खुशी होती कि अगर यही टिप्पणी CGI की तरफ से आती दीपक मिश्रा की, लेकिन खैर उनकी तरफ से नहीं आई है। मैंने आपके सामने बुलेटिन में कल रखा भी था कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर 1 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है, हर्जाना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बिलोकुर, जितने भी आप फैसले देखते हैं सरकार के खिलाफ वो इन्हीं साहिबान जज साहिबान की कोर्ट से आते हैं, CGI के यहां से कोई ऐसा फैसला नहीं आता है। जितने भी फैसले सरकार के खिलाफ आते हैं वो इन्हीं जज साहिबान की कोर्ट से आते हैं, CGI की कोर्ट से नहीं आता। मैं यहाँ तुलना भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुलना करना भी बहुत जरूरी है, आपके सामने सच रखना भी बहुत जरूरी है। अब तो टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 हफ्ते के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकार जवाब दे आकर कि ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर किस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही है। NCPCR को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और कहा है अगर ज़रूरत पड़ी, ध्यान दीजिएगा इस पर, कहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में, अपने सुपरविज़न में एक कमेटी का गठन करेगा और इस पूरे मामले की जाँच करेगा कि ये बच्चियों को किस तरीके से मीडिया ने पेश किया है और ये सब क्या दिखाया जा रहा है।
इसका मतलब आप ये मत समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इन बच्चियों का दर्द देश के सामने ना आए या इन बच्चियों को इंसाफ ना मिले, लेकिन जिस तरीके से मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में लगा हुआ है उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। खबर के दूसरे हिस्से में अब आपको लेके चलता हूँ मीडिया के चरित्र पर। मैंने कहा था 400 में खबर आपके सामने रखूंगा, तो आपको बता दें अपनी टीआरपी के लिए रेप जैसी घटनाओं को, रेप जैसे मामलों को भी मसाला लगा लगा कर खूब बेचता है ये मीडिया। इसका चरित्र बन गया है, चाहे मैच्योर लेडी के साथ रेप हुआ हो, चाहे इमैच्योर जो माइनर बच्चे हैं उनके साथ, चाहे किसी मंदबुद्धि के साथ, किसी विकलांग के साथ, कुछ भी हुआ हो वो मसाला लगा के बेचता है। पहले वो बच्ची को उठा के ले गया, बच्ची चिल्लाती रही, बच्ची ने शोर मचाया, लोग पहुंचे, उसे शर्म नहीं आई, लड़की को किडनैप कर लिया कार में, चलती हुई कार के अंदर 4 घंटे तक घुमाता रहा, 4 लोग बलात्कार करते रहे। ऐसे खबर को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं जैसे कि मस्तराम की किताब पढ़ रहे हों, क्योंकि टीआरपी बढ़ रही है, लोगों को संवेदनहीन बना दिया है उन्होंने, इनकी इन हरकतों ने लोगों को संवेदनहीन बना के लोगों के अंदर संवेदनाएं मर गई हैं। अब लगता ही नहीं है बलात्कार की घटना के बाद कभी मन के अंदर वो चिंता ही नहीं होती है, लगता ही नहीं है अंदर से कुछ ऐसा कि किसी बच्चे के साथ, वो किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, उसके साथ ऐसा हुआ है। अब कुछ होता ही नहीं है क्योंकि इन्होंने दिखा दिखा के ये संवेदनहीन बना रहे हैं। बताऊंगा आपको क्यों कर रहे हैं ऐसा भी। दूसरा देखिए, मर्डर का मामला हो जाए चाहे एक्सीडेंट का मामला हो जाए, कहेंगे खबर दिखाते हुए ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, फिर भी हम आपको ये सीसीटीवी दिखा रहे हैं, ये देखिए खून फैला हुआ है, लाशें फैली हुई हैं, ट्रेन से टक्कर लगी और बच्चों की वैन में जो बच्चे थे 18 मर गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, बार बार दिखा रहे हैं। और इंसान को इन्होंने सिर्फ अपनी टीआरपी के चक्कर में उसको संवेदनहीन बताते जा रहे हैं, इन्हें हर चीज़ को सिर्फ बेचना है। भीड़ तंत्र के हाथों होने वाली हत्याओं का हाल भी देख लीजिए, सोशल मीडिया की यहाँ मैं बात नहीं करूँगा, देखिए सोशल मीडिया की इसलिए बात नहीं करूँगा, ना वहाँ पर रिपोर्टर होता है, ना वहाँ पे सब एडिटर होता है, ना वहाँ पे एडिटर होता है, यहाँ चाहे अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, यहाँ पे रिपोर्टर भी होता है, सब एडिटर भी होता है, एडिटर भी होता है, पूरी टीम बैठी होती है, यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, इसलिए इन पर बात करना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं पर टिप्पणी की है, खूब दिखाते हैं, देखिए कैसे मार पीट रहे हैं, कैसे खून लग रहा निकल रहा है, खून से लथपथ दिख रहा है वो, और ये वैसे ही कैसे पीट रहे हैं, कैसी कैसी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और आगे देख लिए, नेताओं के बयान बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं, गिरिराज सिंह का बयान दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ने दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया है, फला मंदिर पर हमला कर दिया है, किसी मुस्लिम नेता का बयान दिखा रहे हैं कि हिंदुओं ने ये कर दिया है, इसको मार डाला है, वो कर दिया है। तो जो एक गरिमा होनी चाहिए वो नहीं, दंगों की रिपोर्टिंग देख लीजिए, हमें सिखाया गया था हमारे गुरुओं द्वारा कि कभी कोई दंगा हो जाए, कोई बवाल हो जाए तो लिखिए धर्म विशेष के लोगों ने, धर्म विशेष के लोगों के साथ दंगा हो गया, धर्म विशेष के इतने लोग मर गए, धर्म विशेष के धर्म स्थल पर यह हो गया, पता ही नहीं चलता था खबर पढ़ के कि किस धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, हिंदू है मरने वाला कि मुसलमान है, इस तरीके से रिपोर्टिंग हुआ करती थी। लेकिन आज इन्होंने हर चीज को ऐसे बनाकर रख दिया है, आज संवेदनाएं मर गई हैं। खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, तीसरे हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूं आखिर मीडिया ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अब मीडिया जो है इस देश में नफरत फैलाने के लिए काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरा बहुत सीधा सीधा एलिगेशन है, मुझे कोई से बताते हुए कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया में पिछले 12 साल से काम करता आ रहा हूँ और मैंने देखा है मीडिया का चरित्र कैसे पिछले 4.5 साल से बदला है, हर चीज़ को सिर्फ वो बेच रहा है और अपनी टीआरपी के चक्कर में लगा हुआ है, और ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो दिखाकर वो समाज को संवेदनहीन बना देना चाहता है। आपको याद दिला दूं, किसी अपने बुजुर्ग से पूछे, गांव में अगर किसी की मौत हो जाती ना तो पूरा गांव सदमे में होता था, अगर उस छोर पे भी मौत हुई है तो इस छोर का आदमी भी सदमे होता था। आज मोहल्ला तो छोड़िए, घर के अंदर भी मौत हो जाती है ना, ज़्यादा देर तक घर वाले भी गमगीर नहीं रहते, लगता है जैसे उनकी वो संवेदनाएं मर गई हैं। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी पड़ा हुआ है लहूलुहान, लोग वीडियो बना रहे हैं, लड़के बलात्कार कर रहे हैं एक लड़की का, लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई बलात्कार कर रहा है एक बच्चे का, वो वीडियो बना रहे हैं, दिल्ली के बुराड़ी में एक वहशी दरिंदा कैंचियों से एक लड़की पर 53 वार कर रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये संवेदनहीन हो गया है समाज, और ये समाज को संवेदनहीन बनाने का काम इस मीडिया ने किया, कब तक करता रहेगा। अब आपको चौथे हिस्से की तरफ लेके चलते हैं कि कब तक करता रहेगा मीडिया ऐसा। तो देखिए, इस लोकतंत्र के 4 पिलर हैं,
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के खिलाफ यानी कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ आप लोग अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी भी जाते हैं, FIR उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको कोर्ट कचहरियों में घसीटते हैं उनके फैसलों को लेकर, निर्णयों को लेकर, उनकी बातों को। लेकिन मीडिया के साथ जो चौथा पिलर है उसके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा, उसको होली का समझ लिया गया है कि बस वहाँ तो कुछ गलत ही नहीं हो सकता, जबकि हर रोज एक नया मीडिया खड़ा हो जा रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। सबसे ज़्यादा काला धन अगर जांच की जाए तो यही है, और इस मीडिया के लिए, इस मीडिया को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। संविधान की जो धारा हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है उसी के तहत हमारे यहाँ ये मीडिया काम करता है। तो मेरा साफ कहना है कि जब तक आप इस मीडिया के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक ये आपको ऐसे ही दिखाता रहेगा, और यही हाल मीडिया के क्षेत्र में अगर हम चलें तो फिल्मों का भी है। फिल्मों के अंदर आजकल कैसे सीन दिखाई देने लगे, आपने देखा होगा बलात्कार का सीन एक ज़माने में दिखाते थे पुरानी फिल्मों में कि अगर बलात्कार दिखा रहे हैं तो एक चिड़िया उड़ी और वो पंखे से कटके गिर गई, वहीं तक दिखाया। आज क्या दिखाते हैं, कपड़ा उठा के फेंकते हुए दिखाते हैं, बलात्कार करते। मर्डर फिल्म का आपने सीन देखा होगा कि इमरान हाशमी उस जो मलिका शेरावत का जो हस्बैंड है उसको कहता है ले तेरी पत्नी यहाँ पे छोड़ के चली गई है, ये दिखाते हैं, गालियाँ दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको, उनका कहना है कि लोग देख रहे हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो आपको मीडिया के खिलाफ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे फिल्में हो जो कर रही हैं, उनको आपके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज को ये संवेदनहीन बनाने की जो कोशिश की जा रही है और जो ये साधारण किया जा रहा है कि भीड़ तंत्र, अरे होता रहता है, तो लोग एक दिन ऐसा होगा कि आदि हो जाए, अरे लोग तो मरते रहते हैं, एक साथ एक परिवार के 10 लोग मर गए, मर्डर हो गए, मरने दो, तो लोग मरते रहते हैं। तो इस तरफ ये आपको ले जा रहा है, अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको सजग होने की ज़रूरत है। चारों पहलू कैसे लगे कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।